हिमालय के उत्तर से दक्षिण विन्यास, पूरब से पश्चिम विन्यास, हिमालय के उत्तर पूरब की पूरी स्थिति के साथ अब आगे चर्चा करते हैं हिमालय का बंगाल की खाड़ी में विस्तार। बंगाल की खाड़ी में हिमालय का काफी हिस्सा डूब गया, ठीक है। डूबने के बाद उसकी कुछ बड़े बड़े पीक जो है वो उभर कर सामने आ गए, जिनका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी हिमालय ही है, ठीक, ये भी हिमालय ही है, हिमालय का हिस्सा ही है। तो इसमें हम कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, किस प्रकार का उनका जीवन स्तर है ना। तो लिखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चार प्रकार की निग्रो प्रजाति के, निग्रो प्रजाति मतलब काली चमड़ी वाले, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चार प्रकार के निग्रो प्रजाति के, पुस्तक में लिखिएगा काली चमड़ी वाले, वह दो मंगोल प्रजाति, दो मंगोल प्रजाति यहां पाई जाती हैं, पुस्तक में लिखिएगा पीली चमड़ी वाले, पीली चमड़ी वाले, ठीक है, वाली प्रजातियां निवास करती हैं, वाली प्रजातियां निवास करते हैं, ठीक। अब निग्रो प्रजाति काली चमड़ी वाले में से कौन कौन लोग आते हैं लिख लीजिए, चारों प्रजातियों के नाम लिख लीजिए। सबसे पहले ग्रेट अंडमानी, ग्रेट अंडमानी ये निग्रो प्रजाति के अंतर्गत है। दूसरा है इसमें जारवा, ये प्रश्न पूछा गया है कि जारवा प्रजाति के लोग कहां रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पीसीएस में, आपने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे ना, आप देखे गए जारवा, ओंगे, ओंगे तीसरी है, चौथा लिखिए सेंटलीच, ये भी पूछा गया है, जारवा और सेंटलीच पूछा गया है, सेंटलीच ये भी कहां पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दो मंगोल प्रजातियां कौन कौन सी हैं, पहली है निकोबारी, निकोबारी, और नेक्स्ट है सैम्पेन, ये पूछी गई है सैम्पेन, सैम्पेन सैम्पेन, ठीक है। ग्रेट अंडमानी जो मैंने लिखवाया है, ग्रेट अंडमानी लुप्त प्रजाति है, लुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय, धीरे धीरे लुप्त प्राय होते गए, बहुत कम संख्या बची है इनकी। ठीक है, ये छह की छह प्रजातियां याद रखिएगा, प्रश्न आएगा। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए वनस्पति किस प्रकार की है यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वनस्पतियों में लिखिए सबसे पहले विश्वतीय सदाबहार वन है यहां पर, विश्वतीय सदाबहार वन, विश्वतीय सदाबहार वन है क्योंकि यहां पर वर्षा बहुत होती है, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है या इसके अलावा जो समुद्री जलवायु वाला क्षेत्र है यहां पर लगातार बारिश करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए ये कौन कौन से यहां पर वृक्ष पाए जाते हैं, पहला है गुर्जर, गुर्जर एक वृक्ष है, गुर्जर, गुर्जर का वृक्ष, और एक और वृक्ष है जिसका नाम है पदाओक, पदाओक, ये दो वृक्ष सिर्फ और सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाए जाते हैं, गुर्जर और पदाओक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही मिलते हैं। तो लिख लीजिए ये वृक्ष भारत में सिर्फ यही मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक पॉइंट डाल दीजिएगा इसमें, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य यही अवस्थित है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही अवस्थित है। ठीक है, ठीक है, ये बात रही आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अच्छा, द्वीपों का महत्व किस किस लिए होता है, द्वीपों का क्या क्या महत्व हो सकता है? अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर चंद लाइनें लिख लीजिए, हेडिंग डालिए द्वीपों का महत्व। सबसे पहला नंबर पर्यटन के लिए, पर्यटन घूमने टहलने टूरिज्म के लिए, ठीक है, ये इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हो सकता है, आप पर्यटन के रूप में उसे डेवलप कीजिए, लोग घूमने टहलने जाते हैं द्वीपों में। दूसरा लिखिए सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सामरिक सामरिक दृष्टि से। तीसरा लिखिए पर्यावरणीय दृष्टि से, एनवायरमेंटल प्रो एनवायरमेंटल पर्यावरणीय दृष्टि से। नेक्स्ट लिखे जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से। नेक्स्ट लिखे समुद्री शोधशालाओं के विकास हेतु, समुद्री शोधशालाओं के विकास हेतु, समुद्री शोधशालाओं के विकास हेतु। नेक्स्ट लिखिए मत्स्यन की दृष्टि से, मत्स्यन मछली पालन, मत्स्यन की दृष्टि से। और नेक्स्ट लिखिए आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक रूप से वहां पे बहुत सारे वगैरह सारी चीजें मिलाकर। हाँ ठीक है, ये द्वीपों का एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस है, इसलिए कोई भी देश यदि समुद्र में द्वीप अवस्थित होता है, जैसे कि आप देखेंगे ना डियागो गार्सिया हिंद महासागर में अमेरिका का समुद्री केंद्र है, यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, एक अपना रक्षा केंद्र खोल रखा है सामरिक रूप से, यहाँ पर अवस्थित है पूरे हिंद महासागर की चीजों को नियंत्रित कर सकता है। सर में ठीक है, हाँ। इसके बाद यहाँ पर है री यूनियन द्वीप, फ्रांस के, फ्रांस ने इस पे कब्जा कर रखा है, यहाँ पर उसने अपना पूरा डिफेंस लगा रखा है, चाइना यही काम कर रहा है, विश्व में जहां जहां उसे द्वीप मिल रहे हैं उन द्वीपों में जाकर के अपने डिफेंस की चीजों को स्थापित कर रहा है, जैसे कि अभी जिबूती में किया गया है ना, जिबूती में किया गया, श्रीलंका में भी उसने काम प्रारंभ किया, मालदीव्स में भी जा रहा है चाइना, इधर से चारों तरफ से वो वहां पर सामरिक केंद्र ग्वादर पोर्ट में भी कर रहा है। तो द्वीपों का सामरिक रूप से बहुत महत्व है, द्वीपों को लेकर की लड़ाई है दक्षिण चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर जो भी आप आईआर पढ़ोगे, आईआर का टॉपिक वहां पर चीजों को बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने हिमालय के अंतर्गत हिमालय के पूरे पर्वत श्रेणियों के बारे में चर्चा की, ट्रांस हिमालय देखा, बृहत हिमालय देखा, लघु हिमालय देखा, शिवालिक पर्वत श्रेणी देखा, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या देख ली। ठीक है, हिमालय से कुछ बच रहा हो तो बताएं कि कोई टॉपिक बच रहा है। लगभग लगभग सारे टॉपिक यहाँ पर हिमालय से कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं बच रहा है लगभग लगभग, यदि मुझे लगेगा अभी मैं और देख लूंगा कोई ऐसा टॉपिक होगा जो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आगे करवाता हूँ। ठीक,